अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हैफेड की ओर से सेक्टर 9 में सरसों की खरीद की जा रही थी, लेकिन अब वह भी बंद हो गई है। गांवों से किसान सरसों लेकर आते हैं और बिना खरीद के ही ट्राली भरी सरसों की ले जाते हैं। मौसम के बार बार खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। किसानों ने बताया कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं अधिकारी, सरसों की खरीद नहीं कर पा रहे। आपको बता दें कि इससे पहले सरसों की खरीद को लेकर झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर किसान जाम लगा चुके हैं। आज सरसों की खरीद न होने पर किसानों ने हरियाणा के कृषि मंत्री के निवास स्थान पर पहुंचे, अपनी ट्रालियां लेकर और खूब जाम कर काटा बवाल। लेकिन किसानों की वहां भी सुनने वाला नहीं मिला। बाद में झज्जर जिला सचिवालय पर किसान अपनी ट्रालियों के साथ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पहुंचे और कुछ टाइम तक रोड जाम किया गया। तभी सूचना मिलते ही झज्जर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया और अधिकारी से किसानों को अवगत कराया गया। लेकिन बारदाना नहीं पहुँच रहा, झज्जर अनाज मंडी अधिकारी ओम प्रकाश ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। पीछे से नहीं आ रहा बारदाना, डिमांड भी भेजी गई है, इसीलिए आ रही है परेशानी। झज्जर की अनाज मंडी में किसानों का पीला सोना राम भरोसे में ही पड़ा है। आपको बता दें कि कई दफा झज्जर अनाज मंडी में गेहूं और सरसों भीग चुकी है और गेहूं खराब व सड़ने भी लगा है। झज्जर आढ़तियों ने बताया आए दिन मौसम विभाग की तरफ से सूचना मिलती है बारिश होने की, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते, देखने तक भी नहीं आते। यहाँ तक कि कई करोड़ों की पेमेंट भी रुकी हुई है। रिंकू आढ़ती ने बताया कि झज्जर जिला प्रशासन की सभी तैयारियां फेल है, किसी प्रकार की नहीं है सुविधा, पानी निकासी के नहीं है प्रबंध, खरीद व उठान को किया बंद, बारदाना भी नहीं मिल रहा, किसान पैसे को लेकर चक्कर लगा रहे हैं, कई करोड़ों की होनी है पेमेंट। वहीं इस समस्या को लेकर आढ़तियों और किसानों का एक डेलीगेशन पहुंचा हरियाणा के कृषि मंत्री के पास चंडीगढ़। अगर समस्या का नहीं हुआ समाधान, आंदोलन करने पर होंगे मजबूर। गुस्साए किसानों ने बताया कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। तो आज आप यहाँ मंत्री जी के कार्यालय पे आए हो, क्या बहुत बोला है? अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी तो कुछ बताया नहीं मुझे, एक घंटे बाद बात करना। तो आश्वासन दिया खाली? हाँ खाली आश्वासन। लगातार 7 दिन से डेली चक्कर लगा रहे हैं, ट्रैक्टर घर जा रहे हैं आ रहे हैं, रोज फाटा भी करा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा, कोई सुन नहीं रहा। 7 दिन से लोग पानी तक की व्यवस्था नहीं कर रखी किसी ने, ऐसी जगह भटक दिया। इस बार किसानों को इतनी दुर्गति किसानों की कभी नहीं हुई, और अब लोग छक लिए हैं ना, तब यहाँ पर आए हैं। अब 2 घंटे का टाइम आ गया है, लग तो ऐसा ही रहा कि अभी भी गोली दे रहे हैं। सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास करें, किसी का साथ नहीं है, किसी का विकास नहीं है, सिर्फ पैसे का साथ इनका और व्यापारियों का विकास हो रहा है उनसे। किसान तक न कोई लेना देना नहीं है, किसान की दुर्गति कर रखी है गुंडी। इस हालत किसान की किसी ने नहीं, गरीब किसी ने कर सिफारिश, यहाँ काम तला दर चल रहा है, भ्रष्टाचार का यहाँ पर खूब बोलबाला देखा जा रहा है। वहाँ पर जो फोन में बात करवा देता है उसका माल फटाफट बिक जाता है। आज एक हफ्ते से यहाँ पे आ रहे हैं और ये कह देते हैं यहाँ पे कोई आता नहीं, वापिस आते हैं और वापिस चले जाते हैं, काटा करवाते हैं वापिस चले जाते हैं, बोलते हैं मौसम खराब है और अभी हम नहीं लेंगे, फिर अगले दिन आते हैं, फिर बोलते हैं। अब वहाँ पे आज सरकार कोई आदमी नहीं है। आज मंत्री जी के कार्यालय पर क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी के कार्यालय पे आए हैं तो यहाँ भी बोल रहे हैं ये 2 घंटे रुको, उसके बाद समाधान करेंगे। आपको लग रहा है कि समाधान होगा? समाधान कुछ नहीं होगा जी। एक किसान ने बताया कि सरसों की खरीद नहीं की गई तो मरने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ब्याज पर पैसा लेकर सरसों की खेती की थी। हमें क्या पता था कि किसानों को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमारी सरसों को वापस कर रहे हैं, हमारे पास हमारा कर्जा है और हमने फांसी से आ गया, हमारे पास कोई चारा नहीं। सरकार क्या आश्वासन दे रही है आपको? सरकार कुछ आश्वासन नहीं दे रही, धक्के मार रही है, डंडे मार रही है, भाग जाओ। डंडे के सवार कुछ नहीं है हमारे पास। कर्जा लिया हुआ है आपने? कर्जा लिया हुआ है, बैंक का कर्जा है, वे आते हैं जीप लेके और धमकी देते हैं और गांव से कर्जा दे रखा है। आरती चांद पहलवान ने बताया कि मंडी में 1 लाख क्विंटल गेहूं यानी 2 लाख के करीब कट्टे गेहूं मौजूद है। झज्जर की अनाज मंडी में भगवान भरोसे खुले में पड़ा गेहूं। चांद का आरोप है कि मंडी में अधिक गेहूं है, जबकि डीएम हैफेड इसका कम आंकलन कर भेज रहे हैं। गेहूं व सरसों की खरीद को लेकर किसान व आरती किसी मंत्री व झज्जर डीसी से मिलने पहुँचे। सुबह 6 बजे देखी कोशो बटे सुतरो
तो दिक्कत सरसों में खड़ी हमारी तो आपका जानकार है तो आपकी पर्ची पास होगी, बाइका है तो बाइक ही होगी। तो मंत्री जी के कार्यालय पे आए आप, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया, बैठे हैं। उनके पास टाइम नहीं है, बोल रहे जा रहे हैं, टाइम नहीं है, ये है वो है, ये कोई बात होगी तो किसानों की कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। हाँ, वो 2000 रुपये मांग रहे हैं, वो समाधान नहीं हमारा। झज्जर अनाज मंडी सेक्टरी नजर आए पल्ला झाड़ते, कहा बारदाना नहीं आ रहा, इसलिए समस्या बनी हुई है, जल्दी ही समाधान होगा, उन्होंने खरीद बंद करने को कहा है। अब बारदाना आने या न आने का भी प्रश्न नहीं है, खरीद रोक दी गई है। सरसों के मामले में भी हैफेड ने मना कर दिया है, इस लिहाजा से अब सरसों की खरीद को भी बंद किया जा रहा है। यदि आगे कोई आदेश होंगे तभी उसी के मुताबिक कार्यवाही रहेगी। झज्जर से अखिल चौधरी के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।